दोस्तों दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सर दिनेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डीजी स्पेशल। आज एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक के बारे में जान के एक बहुत ही एनर्जेटिक फीलिंग्स आने वाली है। दोस्तों वो टॉपिक क्या है और हम बात जिस पर्सनल डेवलपमेंट के इस टॉपिक्स के बारे में कर रहे हैं, लगातार हम टॉपिक्स लेके आ रहे हैं नए नए, और आज जो टॉपिक्स हैं वो एक ऐसा टॉपिक हैं जिसके बारे में बात करके आपको और हम सबको अच्छा लगने वाला है। दोस्तों वो टॉपिक्स क्या है आज हम उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले वो क्या चीज़ है जिसके बारे में हमको जान लेना चाहिए कि हमारी पर्सनालिटी के अंदर ऐसा कौन सा एक और पॉइंट, ऐसा कौन सी एक और बात है जिसकी वजह से हम हमारी पर्सनालिटी को निखार लेते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले, क्या हम सेंसिटिव हैं, क्या हम संवेदनशील हैं। दोस्तों अपने आप से हम क्वेश्चन करें कि हम एक सेंसिटिव है क्या। सेंसिटिव मतलब होता है कि आप किसी की परवाह करना, क्या आप किसी की परवाह करते हैं। परवाह करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लो कहीं पे कोई खून गिरा हुआ है या फिर कोई व्यक्ति गिरा हुआ है जिसका खून गिरा हुआ है और आपको अंदर से थोड़ा घबराहट महसूस होती है तो आप सेंसिटिव हैं। आप उन लोगों को जो लोग कभी मिले नहीं हैं और फर्स्ट टाइम मिले हैं आप उनसे, उन लोगों को जल्दी से अपना बना लेते हैं तो आप सेंसिटिव हैं। आप फर्स्ट मुलाकात में उनको इम्प्रेस कर देते हैं तो आप सेंसिटिव हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके माध्यम से एक इंसान सेंसिटिव बन सकता है। दोस्तों आपकी रखी हुई चीज़ आपको ना मिले तो आप इधर उधर भागते हैं दौड़ते हैं उस चीज़ को ढूंढते हैं तो भी आप सेंसिटिव हैं दोस्तों। और इसी में दूसरा पॉइंट मेरा ये है, आपकी दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं कि नहीं करते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, अगर आपको किसी को, आप किसी को हर्ट करते हो, आप किसी की फीलिंग्स को हर्ट करते हो तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, आप सेंसिटिव नहीं हैं। आपको अगले की भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी। आप जिस भी व्यापार में हैं, जिस भी काम में हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप अगले की भावनाओं की कदर करें। आंतरिक दुनिया से जुड़ाव होना चाहिए आपका, मतलब कि जब भी आप अपने आप से बात करो तो यार वो फीलिंग आनी चाहिए कि क्या लगता है कि मैं एक सेंसिटिव हूँ कि नहीं हूँ। आप अंदर से अपने आप से बात करो, आपको पता चलेगा कि यार वो बिल्कुल आप सेंसिटिव है या नहीं है। सच्चा व्यक्तित्व दिखाओ आप लोगों को। सच्चा व्यक्तित्व जब दिखाओगे आप लोगों को तो कभी भी आपको लोग बोलेंगे नहीं कि यार ये भावनाओं को हर्ट करने वाला है, या फिर लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि यार ये फीलिंग्स को हर्ट करता है या किसी व्यक्ति को हर्ट करता है। लोग हमेशा सोचेंगे कि अच्छा इंसान है। हमेशा आपको ये प्रेरणा मिलेगी कि यार आप एक सेंसिटिव इंसान है, एक सेंसिटिव पर्सन है, आप एक संवेदनशील पर्सन है आप। तो इसके लिए आप कभी भी किसी को हर्ट मत करो, सच्चा व्यक्तित्व दिखाओ दोस्तों। उसके लिए आपको जब भी लोग आपसे मिलते हैं, जब भी कोई व्यक्ति मिलता है, जब भी कोई पर्सन मिलता है तो उसकी भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी आपको, इन सभी बातों की परवाह करनी पड़ेगी आपको और उनसे जुड़ाव रखना पड़ेगा आपको, लगाव रखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप किसी की भावनाओं को हर्ट कर दो तो ये सेंसिटिव नहीं है दोस्तों। अगर इन चीज़ों पर आपने काम किया तो भी ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।